दोस्तों, वकीलों को काला कोट पहनने की वजह हर कोई जानना चाहता है। वकीलों का काला कोट पहनने की वजह आज की नहीं है, बल्कि इसका काफी पुराना इतिहास है। पहले वकीलों की ड्रेस काले रंग की नहीं हुआ करती थी। वकील काला कोट और सफेद शर्ट व उसके साथ काली पैंट पहनते हैं। वकीलों को देखकर आपके दिमाग में यह बात जरूर दौड़ती होगी कि आखिर वह काला कोट क्यों पहनते हैं। वकील हो या जज, वह हमेशा काले कोट पहन कर ही अदालत में पहुंचते हैं। वे इसके अलावा कोई दूसरी ड्रेस या रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं। यह आज से नहीं बल्कि कई सालों से चलता आ रहा है। इसके पीछे वजह कोई फैशन नहीं है, बल्कि इसके पीछे काफी पुराना इतिहास है, जिस वजह से आज भी वकील काला कोट पहने ही नजर आते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है। इतिहास के अनुसार वकालत की शुरुआत साल 1327 में एडवर्ड तृतीय ने की थी। उस समय भी न्यायाधीशों के लिए अलग तरह की ड्रेस तैयार की गई थी, लेकिन उस समय वकीलों की ड्रेस काले रंग की नहीं हुआ करती थी। उस समय वकील लाल कपड़े और भूरे रंग का गाउन पहना करते थे, वही जज सफेद रंग के बालों वाली विग पहनते थे। वकीलों की ड्रेस में बदलाव साल 1600 के बाद आया। साल 1637 में एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें न्यायाधीश और वकीलों को जनता से अलग दिखने के लिए काले रंग की पोशाक पहननी पड़ती थी। इसके बाद से वकील पूरी लंबाई वाले गाउन पहनने लगे। ऐसा माना जाता है कि यह ड्रेस आम लोगों से अलग दिखने के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा साल 1694 में क्वीन मैरी की चेचक की बीमारी के कारण मौत हो गई, और राजा विलियम्स ने सभी जजों और वकीलों को शोक मनाने के लिए काले गाउन पहनकर इकट्ठा होने का आदेश दिया। इसके बाद से इस प्रथा को कभी रद्द नहीं किया गया, जिसके बाद से जज और वकील काला कोट पहनने लगे। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।